हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अच्छन सिंह है और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं काइन मास्टर प्रो में हम वीडियो लेयर का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उन सारे वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको वीडियो लेयर कैसे ऐड करना है और कैसे उसको आप एक अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा। बाकी काइन मास्टर कैसे यूज करना है, इसको प्रो वर्जन में कैसे इंस्टॉल करना है, इसके रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, आपकी लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और टेक इम्पो से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो लिंक मिलेगा नीचे, वहां से आप काइन मास्टर प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वो भी फ्री में। उसके बाद इसको ओपन, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें और उसके बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। वीडियो में ब्राउजर से कोई एक वीडियो सेलेक्ट करते हैं, जैसे मेरा एक वीडियो, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली इसमें क्या है, जो मैंने वीडियो बना रखा है इसका जो साउंड है वो कॉपीराइट इशू हो सकता है, इसके लिए मैं इसका म्यूजिक ऑफ कर देता हूँ। म्यूजिक ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा सीन कट कर देता हूँ और इसके ऊपर से एक लेयर ऐड करनी, तो लेयर में टच करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऊपर वीडियो लेयर का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास लॉलीपॉप या फिर मार्शमेलो या फिर नॉर्ड वर्जन का अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो वहाँ पर डेफिनेटली वर्क करेगा। जेली बीन में मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं जेली बीन का। अगर आपके पास लॉलीपॉप वर्जन है एंड्रॉयड का तो आप डेफिनेटली इसका लाभ उठा सकते हैं। चलो वीडियो लेयर में टच करने के बाद कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर देते हैं जिसको हमने यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि मैं कोई एक वीडियो ले लेता हूँ, कोई बॉलीवुड वीडियो ले लेता हूँ, कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ। चलो खुद की वीडियो ले लेता हूँ, इसको देखें। अब इसको यहाँ पे किस तरह से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अब इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन भी मिल जाता है। क्रोमा की कैसे यूज करना है इसका मैंने दूसरे वीडियो में बना रखा है, वहाँ से लिंक में जाके वीडियो बैकग्राउंड चेंज करने का वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आप सीख भी सकते हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो लेयर हमने ऐड कर दी, अब इसका एडिटिंग देख लेते हैं कि इसका जो जैसे एनिमेशन है आएगा कैसे। इन एनिमेशन में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये देखिए किस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप इसका एनिमेट कर सकते हैं। चलो हो गया इन एनिमेशन, और इसको थोड़ा साइज जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं फुल कर लेता हूँ। चलो फुल कर लिया, अभी इसका इन एनिमेशन हो गया। आप ओवरऑल एनिमेशन में फुल से कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो लेयर ऐड हो चुका है, इसके बाद हम इसको प्ले करते हैं फिर देखते हैं। ये देख सकते हैं वीडियो के ऊपर मैंने इसमें इफेक्ट देखे किस तरह से इसको लेयर ऐड किया, किस तरह से इफेक्ट मिलती है। ये था सिर्फ वीडियो लेयर ऐड कैसे करना है उसके बारे में। इसके अलावा कि बहुत सारे फीचर हैं वीडियो लेयर के बाद, आपके पास बहुत सारे फीचर हो जाते हैं। आपके इसके अल्फा ऑपेसिटी घटा बढ़ा सकते हो। उसके अलावा क्रोमा की जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है अपने लिंक में, वीडियो बैकग्राउंड चेंज कैसे करें, वहाँ पे वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर हाँ आपको मेरी वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर आपके मामले वर्क नहीं करता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।